नमस्कार, मैं निशांत और आप देख रहे हैं दिल्ली लाइन टॉप। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने शनिवार 13 जून को कहा कि भारत चीन सीमा पर सब कुछ कंट्रोल में है, कुछ मसलों पर बातचीत जारी है। उन्होंने देहरादून की मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान कहा, मैं सबको आश्वासन देता हूं कि चीन के साथ लगे बॉर्डर पर सब कुछ कंट्रोल में है। बातचीत का सिलसिला चल रहा है जो कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत से शुरू हुआ है। स्थानीय स्तर पर एक रैंक के कमांडरों के बीच मीटिंग हुई है। हमें उम्मीद है कि लगातार बातचीत से हम यानी भारत और चीन सारे मतभेदों को रोकेंगे, सब कुछ कंट्रोल में है। पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत चीन के बीच तनाव है। वहीं उत्तराखंड में नेपाल के साथ सीमा विवाद भी चल रहा है। इस पर आर्मी प्रमुख ने कहा, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, हमारे भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक जुड़ाव हैं, लोगों से लोगों के बीच संबंध अच्छे हैं, उनके साथ हमारा नाता मजबूत रहा है और भविष्य में भी रहेगा। पिछले दिनों उन्होंने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि नेपाल दूसरे देश की शह पर ऐसा कर रहा है, इस पर विवाद भी हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख की पेंगोंग झील और गलवान इलाके के पास चीन के सैनिकों की मौजूदगी है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों तरफ के सैनिक पीछे हट रहे हैं, दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो रही है। गलवान घाटी में दारबुक शेख दौलत बेग ओल्डी रोड के निर्माण पर चीन आपत्ति जता रहा है। इसके अलावा भारत सासोम ससरेला रोड भी बना रहा है। मई महीने की शुरुआत में पेंगोंग झील पर दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़पों की खबरें आई थी। ऐसी झड़प 9 मई को सिक्किम में चीन बॉर्डर पर हुई थी। भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद चल रहा है। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपु लेक से धार चूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपु लेक को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपु लेक, लिम्पिया धुरा और काला पानी को अपना हिस्सा दिखाया। नेपाल के PM KP शर्मा ओली और UP के CM योगी आदित्यनाथ के बीच भी पिछले दिनों कहा सुनी हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ललन टॉप का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौंका हल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले Facebook और YouTube से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही Google Play Store पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।